वो निश्चित ही वो परेशान में आ जाएंगे, क्योंकि बार बार गेंद उनके पास आएगा और वहां पर उसको सामना करना है। और डिफेंस लाइन ही वो एक ऐसा जगह है, वैसा द्वार है जहां से वो अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक कर देते हैं तो अपोनेंट टीम वहां से पहला गोल लगाने के लिए सक्षम हो जाएंगे। तो यहां पर अब दो दो बार मिस्टेक्स हो करके भी यहां पर मालदा टीम अब वो रिकवरी में सक्षम हो गए हैं। लेकिन इसी क्रम में यहाँ बेंच रेफरी का एक अच्छा जजमेंट और फ्री किक करने के लिए मौका यहाँ से मिल जाएगा मालदा टीम। बॉल हटाना क्रम रहे थोड़ा गान ओका जलना जजनी उन्हें थोड़ा गान टी चला उन्हें एक रूप ठोकी दार और मैं इतनी की बीच फ्री किक लेकिन ना कोई नाम का एएफसी मालदा टीम और वहाँ तो मिचे सेट फीस का ना वहाँ सेट फीस माध्यम से चेन उन्हें कोई ना गोल हजुम करना से बांग डिस्टेंस बांग जस्ती वा शॉर्ट रडी मोज लगाओ लेन गया नुकान समय है 15 नंबर कोई तो उन्हें बनाया रवि लाल उन्हें कोई बॉल बाय क्लियर दाई दा अब न तो जल में पास समांतर दिशा रहे 9 नंबर जत्रा डगा वेस्ट बंगाल शॉट वाह कमाल का सेव गोलकीपर को मरना होगा। मार्सेल गोलकीपर ने जो अपना रोल है अपने टीम के लिए वो बखूबी निभाया है। अगर यहां से गोलकीपर रोहित के द्वारा थोड़ा सा भी मिस होता तो निश्चित रूप से यहां पर गोल आती जी। और शॉटर को भी तारीफ करना है सुशील दा 9 नंबर जर्सी पहने खड़ी यहां पर जो शॉट लगाए थे जतरा डंगा एफसी वेस्ट बंगाल टीम से क्या कमाल का शॉट लगाया था। उसका शॉट जो स्विंग हुआ था और गोलकीपर वहां रोहित जो हल्का सा वो बीट हो चुके थे और किसी तरह वो अपना दाहिना हाथ से वो गेंद को बाहर किए और वैसा नहीं होता तो वहां पर 1-0 का बढ़त बना लेते। यहां पर जतरा डंगा वेस्ट बंगाल टीम काफी अच्छा गोल की और 0-0 की बराबरी में ये घमासान मुकाबला। और मैं समझ रहा हूँ सुशील दा इस मैच को देख करके जो हमारे ऑडियंस जो आए हुए हैं वो बिल्कुल इस मैच का वो मजा ले रहे हैं क्योंकि दोनों टीम एक बेहतर लय में खेल रहे हैं। यहाँ पर कोई हर बड़ी नहीं और एक साफ सुथरा मैच सटीक पास और जैसे आप यहाँ पर कह रहे हैं दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे हर क्षेत्र में गेंद को सप्लाई किया जा रहा है और यही चीज जो है कि खेल का खूबसूरती को बढ़ाता है। जी बिल्कुल जो उम्मीद होते हैं वो उम्मीद पर जब प्लेयर्स खड़े उतरने लगे तो आप अभी से आप लोग तैयार रहेंगे अगला मैच के लिए। नियम बाद ना गाती तो ना कुछ जला ते ही जाओ का ना टूर्नामेंट ना पहल दिन ना उका मुचर गाती पहल राउंड है ना वादुकिन गाती है एफसी हल्दिया मणिपुर वेस्ट बंगाल वर्सेस एक बाबीर कोलकाता नुकी तला ना अगला मैच हुआ जत्रा डंगा शॉट लिया लेकिन गेंद वहां से हुई है वहां पर प्ले ऑन कहा है AR1 ने लखन इस बार लेकिन यहां कटबैक किया जर्सी नंबर 4 के लिए जर्सी नंबर 3 ने जत्रा रंगा की टीम अब 9 नंबर आगे निकलते हुए इन मौके पर अपना पोजीशन लिए गोलकीपर रोहित दनिया था वहां पर मौका मिलता मार्सेल थोड़ा अगर वहां पर चूक होती तो निश्चित रूप से एक बेहतर अपॉर्चुनिटी वहां मिल जाती 9 नंबर को गोल लेने के लिए। काफी सुंदर मैच यहां पर चल रहा है ज्यादातर आक्रमण कर रहे हैं यहां पर जत्रा डंगा एफसी वेस्ट बंगाल टीम लेकिन इसी क्रम में यहां पर एक अच्छा स्टेप आउट गोलकीपर इस बार वेस्ट बंगाल टीम जत्रा डंगा इसी क्रम यहां पर फिर से जर्सी नंबर 9 यहां पर एक अच्छा पास बढ़ा दिया है 6 नंबर जर्सी के लिए जत्रा डंगा टीम के लिए पहला गोल करने के लिए ये ऑप्शन वहां पर तलाश रहे हैं। 2 नंबर इस बार थोड़ा सा वहां पर खिलाड़ियों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग वहां पर सुशील दा कम्युनिकेशन गैप रह गया और ऐसे में अब थ्रोइंग करने के लिए मौका यहां से मिल जाएगा जत्रा डंगा एफसी वेस्ट बंगाल टीम। लेकिन मार्सेल खेल देख करके ऑडियंस भी काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि यहां पर जो 3 है 6 है 9 है ये सारे प्लेयर्स जब गेंद लेकर के जाते हैं तो ये
इतना बेहतर इनके द्वारा क्रॉस निकलती है, ये अनावश्यक तरीके से अभी भी एक भी शॉट ऐसा नहीं लिया है जो कि अनावश्यक तरीके से शॉट लिया जाए। यहाँ पर इस बार भी इतना सुंदर क्रॉस निकाला था, अगर चाहते तो वो खुद पोस्ट पर एक शॉट ट्राई कर सकते थे, लेकिन उनको लगा नहीं। कहते हैं कि अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता है, इसीलिए उनका प्रयास ये रहा कि वो खुद बॉल को ना शॉट लेकर के वो क्रॉस एंगल पर गेंद को खेल दिए थे। इतना बेहतर ये टीम गेम आप देख सकते हैं। अब फिलहाल परसेंटेज के लेवल में अगर देखें तो यहाँ पर जतरारंगा की टीम यहाँ ज्यादा इनके पक्ष में गेंद अभी तक देखने को मिला है, चाहे अटैकिंग की बात करें, चाहे आक्रमण की बात करें, चाहे बॉल पोजीशन की बात करें, चाहे पासिंग एक्यूरेसी की बात करें, हर एक परसेंटेज में जतरारंगा वेस्ट बंगाल अभी अव्वल पर है, अव्वल दर्जे पर। क्या सटीक पास बाहर है यहाँ पर जतरारंगा वेस्ट बंगाल टीम, बड़ी सुपर मुकाबला कौन एकदम वन टच खिलौड़ जतरारंगा एफसी वेस्ट बंगाल टीम कोच मेंकन सुशील दा मैच या समय निथो मिला गया और देखो नोका दोनों पहिल हाफ रे मैच रे जतरा डंगल वेस्ट बंगाल टीम बड़ी नपाय को खेलत ना बेंकन नोवा तीन हदी गोल बा हुआ उन हदी जहां ना लय लहाय दो दी मुश्किल जाते होटे जे लेकिन हुई दड़े वापस ए बई बईते ए ए एफ सी बालदा टीम को तपिस हुआ एते नोवा टीम को हो मोई मोई खाली हुआ का दो होटे चे हुई करनी तलार को देखो नीचे तगड़ा अटम का दो 10 नंबर रे खेलकन खाली विदेशी मुल्क होटे कौन मॉरिस बॉल पोजीशन देखना हो बालदा टीम, बालदा टीम बको को मा यहां पर बालदा के टीम को भी आप कम ना के जब कभी भी इनको भी मौका मिलता है वो भी हमेशा प्रयास करते हैं अपना बेस्ट देने के लिए। और यहां मैं देख पा रहा हूं सुशला एक चीज, जिस तरीके से यहां पर जतरा डंगल टीम जो आक्रमण कर रहे थे उस समय थोड़ा सा यहां पर बालदा टीम वो एक डिफेंसिव अंदाज में खेल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ अब वो अटैकिंग मोड में। और इसी के साथ इस मैच का अब सिर्फ 2 मिनट का अब जो इंजरी टाइम को ऐड कर दिया है, 2 मिनट का जो समय को ऐड कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या 2 मिनट के अंदर गोल होगा कि नहीं, काफी एक कीमती समय सुशीलदा 2 मिनट और मैच काफी बेहतर जी बिल्कुल। और अभी तक मैच का जो समय लगभग इंजरी टाइम एंड होने के बाद दोनों टीम चाहेंगे कि इस फर्स्ट हाफ के बचे हुए समय पर हम गोल ले लें इस बचे हुए समय में, ताकि यहां से अपनी टीम को मजबूत प्रदान कर सके। इसे बाबूलाल लेकिन वहां से गेंद को वो नहीं खेल पाए, मुन्ना मुन्ना ने वहां पर मॉरिस को खेला और ये 2 नंबर इनको बुकिंग हो जाएगा क्योंकि उनको पीछे से खींचने का प्रयास किया उन्होंने और ये चीज देखा गया कि वो जानबूझकर कर रहे थे, इसलिए उनको बुकिंग किया गया है। आज के दिन में ये पहला ये बुकिंग हुआ है। अच्छा जतरारंगा वेस्ट बंगाल के जो मैनेजर है आपने नेम लिस्ट यहाँ पर जमा नहीं किया है अब तक, और अब यहाँ से जो सेट पीस बन रहा है इसके जरिए के यहाँ पर गोल ले पाएंगे बालदा की टीम। शॉट लेने के लिए मॉरिस, शॉट लिया तगड़ा लेकिन बॉल जाएगी ऑफ टारगेट।